दोनों को समझना है कि आज विवाह शुरू कर रहे हैं आप लोग, इसे मृत्यु तक आप दोनों को निभानी होगी। आमेन। हालेलुया। सुनो भाई, आप तैयार हैं मृत्यु तक निभाने के लिए? पक्का? केजी क्लास में पढ़ते पढ़ते लोग बोलते रहे, एक ही क्लास में कितना पढ़ेंगे, उसके बाद पांचवा क्लास में अगर दो चार बार फेल हुए, अरे कितना पढ़ेंगे, नवा में चार पांच बार अगर फेल हुए तो मैट्रिक ही नहीं लिखते, क्यों? अरे कितना एक ही क्लास में पढ़ेंगे। आपको एक ही पत्नी रखने का लाभ है, जिंदगी भर आपको उसी के साथ रहना है। आमेन। उसी प्रकार चंद्रवती को भी परमिशन है, केवल एक ही पति, और वो आज सोनू आपका पति हो जाएगा, और दूसरा किसी की तरफ देखने का अलाउ लाइसेंस आज सीज हो जाए। इतने म्यूजिशियन बैठे, इतना बाजा बजा रहे है ना, धाम धाम, बहुत सारे सेवक लोग हैं, सबके सामने आज आप दोनों का लाइसेंस सीज हो जाएगा। आज के बाद आपके लाइफ में कोई दूसरा एंट्री नहीं कर सकता। आमेन। ये है वैवाहिक जीवन, ये है विवाह का आरंभ करके इसे जीना, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है सब बातों में आदर के योग्य हम लोग को विवाह को समझना है। यहाँ से जब निकलेंगे, जब नाचेंगे है ना, गाएंगे झूमेंगे, तो याद रखना है कि विवाह को हमें आदर के योग्य, विवाह खत्म नहीं हुआ परंतु विवाह क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। सो जब नाचेंगे गाएंगे तो भी प्रभु के भय में एक दूसरे से सब जुड़ा के नाच रहे हैं, तो याद रखिएगा कि परमेश्वर को आदर करते हुए हमें नाचना है। हालेलुया। इधर के पार्टी उधर जाएगी, उधर भी नाचना देखना होगा। याद रखना है कि विवाह को हमें सब बातों में, आगे बोलिए ना, आदर के योग्य समझने की जरूरत है। ये विवाह बहुत सुंदर चीज है, परंतु इससे एक जन को बड़ा प्रॉब्लम है, और वो यहाँ का पास्टर नहीं है या आपका पास्टर नहीं, वो है हमारा शत्रु, हमारा विरोधी शैतान। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इससे पहले कि परमेश्वर आदम और हवा के साथ संगति करता था, संगति उसके साथ में था, परंतु उसके गिराए जाने के पश्चात जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर को ये भाया कि मनुष्य के साथ में संगति करे, और जब वो संगति करने लगा तो शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए तो वो सांप के भेष में आकर के हवा से बात करना शुरू किया और अपना काम करके वहां से चला गया। आज भी वैवाहिक जीवन को एक और परमेश्वर आशीषों से भरना चाहता है, परंतु याद रखना है कलीसिया हमें कि दूसरी ओर हमारा शत्रु इस वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने के लिए ताक में लगा रहता है, और इसलिए हमें समझना है, जानना है कि कैसे हम वैवाहिक जीवन को बड़े संभलते हुए सावधानी पूर्वक सफलता के साथ में हम जीते रहे। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा, मैं जल्दी जल्दी बोल करके समाप्त करने की कोशिश करूंगा। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका पहला वचन को पढ़े। दो बात लिखा हुआ है, बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, घर को बनाती है। सब कोई बोलिए, क्या करती है, घर को बनाती है। बाइबल के अनुसार बड़े बड़े पत्थर को शायद हम लोग पुरुष लोग ढो सकते हैं है ना, भार ढो सकते हैं, बालू को उठा सकते हैं, सब कुछ करके घर को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, परंतु घर ये चार दीवारी नहीं होता, लेकिन चार दीवारी के अंदर रहने वाले रिश्ता होता है। और बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि बुद्धिमान स्त्री जो है वो घर को क्या करती है, बनाती है। आज सोनू क्यों विवाह करके लेकर के जा रहा है, क्योंकि सोनू को इसका घर बसाना है। सही सुनो भाई, सोनू के माँ बाप ने सब सपना देखा है, उन्होंने ख्वाब देखा है कि मेरी बहू आएगी, हमारा घर और सुंदर हो जाएगा। बाइबल भी यही कह रहा है कि बुद्धिमान स्त्री घर को क्या करेगी, लेकिन साथ में एक और बात लिखा है, मूड स्त्री घर को अपने हाथों से, किसके हाथों से, किसके हाथों से, अपने हाथों से क्या कर सकती है। ये वुमेन पावर जो है बड़ा जबरदस्त है ना, महिलाओं का जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सरकार भी देखिए इन दिनों में हर गांव-गांव में महिलाओं का समूह बन गया, नहीं बना, क्योंकि सरकार भी समझ गया है कि महिलाओं का पावर बहुत जबरदस्त होता है। और परमेश्वर का वचन भी बतला रहा है, महिला खास करके घर बनाने में
या उसे बिगाड़ने में, दोनों चीज में माहिर है। ये विवाह इसीलिए हो रहा है ताकि सोनू का घर बसाया जाए, सोनू का परिवार बसाया जाए, सोनू के माँ बाप का परिवार और फलवंत हो जाए और परिवार बढ़ता जाए, फलता जाए, फूलता जाए और परमेश्वर के आशीषों से भरता जाए। और इसके लिए जरूरी बात यह है कि चंद्रवती को एक बुद्धिमान स्त्री के जैसा, या कहना चाहिए बुद्धिमान स्त्री बन करके अपने घर को बनाना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अब तक बने रहने के लिए। जय मसीह की, हालेलुया।